बीच में जो मैंने कर मैक्सिमम आपको समझ भी आ गई थी, आपने खुद भी किए थे काफी क्वेश्चंस, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। आपने काफी हार्डवर्क किया इसमें, काफी दिन हमने ये चैप्टर टच किया था, काफी क्वेश्चंस किए थे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट, कीप रिवाइजिंग। जो क्वेश्चन आपकी ब्लिस की बुक में है, स्कूल की बुक में है, या फिर जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे मॉड्यूल में किए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं आपको, दैट इज इनफ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और जो किए हुए क्वेश्चन है वो सारे आपने किए हुए हैं, अपनी बुक वाले भी किए हुए हैं, मॉड्यूल वाले भी किए हुए हैं, ठीक है। और हमने स्लोली स्लोली सारे किए थे ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी, ठीक है बेटा। तो आज दोबारा से हम इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मॉड्यूल की तो जरूरत नहीं है, मॉड्यूल को साइड पे कर दो। ओनली योर रजिस्टर इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन द नोटबुक, ओके। एंड अपना जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगी आपको भी लिखना है, ओके। ट्राइंगल के चैप्टर जो है, ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर आते हैं बेटा, इसमें आप अराउंड अगर 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना प्रैक्टिस के लिए, दैट इज इनफ। एंड आपका जो है वो चैप्टर में जितने भी आपके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 5 5 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही चाहिए, ठीक है। 5 और 6 क्वेश्चन ऑफ ईच कंसेप्ट। जैसे आपका पहला कंसेप्ट था एक्सटर्नल एंगल वाला, सबको याद है एक्सटर्नल एंगल वाले जितनी भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आपको मैक्सिमम आते हैं, आपने काफी यूज किया मॉड्यूल में भी, आपकी बुक में भी है। एक्सटर्नल एंगल की एक ही प्रॉपर्टी है, वही बार बार यूज होती है। और वो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी कब लगती है, जब आपके पास किसी शेप में आपका जो ट्राइंगल की शेप है उसमें अगर इफ यू हैव एक्सटेंडेड लाइन लाइक दिस, ठीक है, या फिर आपकी ट्राइंगल की एक्सटेंडेड लाइन इस साइड पे है या फिर इस साइड पे, कहीं भी हो, आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी उसमें लगानी है, फिगर देख के आपको पहचान हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने पढ़ा है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी की है आपने, ठीक है। उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। देन यू हैड दैट पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके। देन यू रेड अबाउट मीडियन, ऑर्जिट्यूड, सबको याद है ये सब किया था हमने इस चैप्टर में। रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड जिस इसको याद आ रहा है कि यस हमने किया था ये। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, हैव यू हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैं बोल रही हूँ, क्या ये पहली बार सुन रहे हो मीडियन ऑल्टीट्यूड एंड ऑल पाइथागोरस प्रॉपर्टी? नो, हाँ अब हाथ खड़े हुए हैं, यस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भूलना नहीं है जो भी आपने पढ़ा है, ओके okay? चलो आज फिर से हम इसी के रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ओके। यू कैन राइट डाउन द हेडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये आपके मॉड्यूल से थोड़े से डिफरेंट है बट कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। कोई हम और कोई नया कंसेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, फिगर इज गिवन टू यू, ड्रॉ द फिगर, इट इज ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट, एंड टू साइड्स आर गिवन टू यू विच आर इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। आई टोल्ड यू जब भी ये साइन लिखा होता है, छोटी वाली लाइंस ड्रॉ की होती हैं ट्राइंगल पे, इट इंडिकेट्स कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो आप उसके सिंबल से, उसकी फिगर से, फिगर की मार्किंग से आप जज कर सकते हो कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यू कैन राइट योर सेल्फ दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, नो बडी विल मेक इट रॉन्ग बिकॉज आपको फिगर में ऑलरेडी गिवन था, ओके। एंड यू हैव टू, वन एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री, आई विल कॉल द नेम, आई विल कम टू नो कितने घर में कितना कितना पढ़ा, कितना कितना रिवाइज किया। तो सब लोग बैठे बैठे कोई भी आंसर नहीं देगा, जिसको मैं बुलाऊंगी सिर्फ वही बताएगा, ओके ओके। आंचल 7D, यू हैव टू फाइंड एंगल क्यू,
फाइंड एंगल क्यू। आंसर 7D। ये थोड़ा फास्ट आ जाए करो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, मॉड्यूल से कुछ नहीं देखना आपने। प्लीज टेल मी व्हाट इज एंगल क्यू। नॉलेज अप्लाई करनी है मेरे को, अगर कैलकुलेशन नहीं भी बताई तो चलेगा। आई डोंट वांट कि आप मेरे को 45 डिग्री बता दो या 30 डिग्री कुछ भी बता दो। टेल मी हाउ टू फाइंड। मैम एंकल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, व्हाट शुड आई राइट हियर? वेरी गुड, प्रॉपर्टी इज ओके, यस यही वाली लगेगी। हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, क्या स्टेप लिखोगे इसमें? किसी को सुनना नहीं है, डोंट लिसन टू अदर्स। इसका मतलब ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी शायद आपको पता नहीं है, किसी ने बताया आपको। इज इट अप्लाई योर ओन नॉलेज। सिंपलेस्ट क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, सिंपलेस्ट क्वेश्चन से। आंचल नॉट मैम। डन, दिस इज नॉट डन। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये पता चल चुका है कि एंगल सम प्रॉपर्टी है तो जल्दी से बता दो अभी क्या लिखना चाहिए मुझे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हाउ वुड यू राइट द सॉल्यूशन? गो बैक, लिसन टू इट केयरफुली, आई विल कॉल यू अगेन। द चाइल्ड हु इज होल्डिंग द माइक, आप ही बताओ। डी सेक्शन, यस बता दो। वेरी गुड बेटा, पुट ऑन द माइक, माइक ऑन करो, यस बताओ। हाउ विल यू फाइंड एंगल क्यू? वेरी सैड, ए सेक्शन खुशी, ए सेक्शन खुशी। जो बच्चे मेरे को नहीं बता रहे हैं उनको मैं दोबारा से बुलाऊंगी। बी रेडी फॉर दैट। मैम हाँ जी बताओ बेटा, हाउ टू स्टार्ट? वी यूज प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी गुड, यस प्रॉपर्टी ठीक है, हम वही यूज करेंगे। व्हाट टू राइट सॉल्यूशन, अगर मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे, व्हाट शुड आई राइट हियर? हम एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सीलेंट, देन हम देन वी राइट एंगल क्यू प्लस इन ब्रैकेट एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स। इन ब्रैकेट लाइक दिस। मैम यस। ओके मैम देन वी कैन राइट दैट एंगल क्यू एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू एंगल 2Q। ओके, यू वांट टू राइट एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 2Q, यू वांट टू राइट लाइक दिस? मैम नो। हाँ, मैम एंगल 2Q टू क्यू, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके ओके। यू मीन टू से एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू, यस वेरी गुड, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप ये बोल रहे हो ना? मैम यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वैसे तो बेटा, आई एम जस्ट रिमूविंग इट, क्योंकि आपने अभी तक क्यू और पी को ऐड करना है, तो इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, सेपरेट ही रहने दो। आपने क्या किया, पी की जगह क्यू लिख लिया, बिकॉज बोथ पर इज दिस स्टेप इज करेक्ट? इसको चेक करो एक बार, क्या ये ठीक है? ओके आप बैठो और अपनी नोटबुक पे लिख के करो, ठीक है? आपको आता है, आई नो यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन मी। एनी चाइल्ड हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी व्हाट शुड आई डू आफ्टर दिस? ये दोनों तो स्टेप रिपीट हो गए ना यहाँ पे, बार बार तो हम ये नहीं लिखते जाएंगे। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ो आप। व्हाट वुड विल राइट आफ्टर दिस स्टेप? फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, आपने प्रॉपर्टी लगाई कि इन दोनों का सम जो है, तीनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे? रेज योर हैंड, गुनोए, यू आर स्केयर्ड कि ये नया क्वेश्चन है,
और आपको ये नहीं पता कि ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। सिर्फ नया क्वेश्चन देख के एग्जाम में तो नए क्वेश्चन ही आने हैं बेटा। अपने कंसेप्ट यूज करो, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आपको पता चल चुकी है। मैम क्यू इक्वल्स टू आर सो विल टेक 2x+30 हाँ, फ्रॉम विच सेक्शन यू आर स्पीकिंग? मैम बिकॉज क्यू इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू पी फ्रॉम विच सेक्शन? एक्स विच सेक्शन यू आर स्पीकिंग? कौन से सेक्शन से बता रहे हो आप बेटा? पी बी पी बी ओके गुड। माइक माइक आपके पास ही है? यस रेज योर हैंड प्लीज। बी से ओके ऑल राइट, बिकॉज आपका फेस नहीं मुझे दिख रहा ना। ओके यू टोल्ड करेक्टली। किस किस को पता है कि जो उसने बताया है अभी, उसने बताया है कि तीनों एंगल का सम 180 है, तो उसने बोला कि हमारे लिए दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इनको हम एक्स और एक्स पोज कर लेंगे। क्यों करेंगे एक्स और एक्स वाई? हु टोल्ड यू कि ये दोनों एंगल इक्वल है? कैसे पता चला आपको? बी सेक्शन ये पीछे से थर्ड बेंच गर्ल, फोर्थ बेंच। यस आज बेटा Both sides are equal and it's isosceles triangle. The two angles will be equal. Yes, ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार यूज की है। आई वॉन्ट टू नो कि ये बच्चे सारे ये डर रहे हैं, आपको बताते हुए डर लग रहा है कि पता नहीं मैं ठीक बोल पाऊंगा या नहीं। यू आर फीलिंग लाइक दैट, है ना? अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने बहुत बार किया था, बहुत बार डिस्कस भी किया था कि अगर हमारी टू साइड इक्वल है तो उनके दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू, हमने एक्सपोज कर लिया, लेट लेट कर लिया। इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अभी ये सेंटेंस आपको मैं इसलिए लिखवा रही हूं कि आपको इक्वल साइड्स आर, ये सेंटेंस को आप जरा अभी अभी मेरे सामने 5 बार पढ़ो, एवरीबडी रीड इट 5 टाइम्स एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेप थे दोनों, आई एम जस्ट कैंसलिंग इट। और मुझे पता है जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करती हूँ आधे बच्चे तो उसको कॉपी डाउन करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। कई बच्चे हैं सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं और फिर लिखते हैं, और कई बच्चे मेरे बताने से पहले ही कर लेते हैं, और कई बच्चे सिर्फ कॉपी डाउन करते हैं कि चलो जो जो लिखते जा रहे हैं हम लिखते जाते हैं नोटबुक पे, देखेंगे बाद में पढ़ेंगे जब एग्जाम आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना। प्लीज रीड इट 5 टाइम्स एवरीबडी इन द नोटबुक जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं उन्होंने लिखा नहीं है क्या नोटबुक पे? जी सेक्शन, डी सेक्शन, रीड इट 5 टाइम्स इन माइंड व्हाट आई हैव रिटन। किस किसने 5 टाइम्स पढ़ लिया? रेज योर हैंड माइंड में। लाउडली तो आप बोल नहीं सकते, दैट्स ग्रेट गुड। बाकी बच्चे आर यू रीडिंग? आई वॉज थिंकिंग कि आज आपको लॉन्ग आंसर्स करवाऊंगी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले, बट आप तो 2 पे ही अटक गए। 2 नंबर वाले आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, व्हाट शुड आई डू देन? आज 2 वाले करते हैं फिर आगे, है ना? आपको टू साइड्स इक्वल दी हुई है इसलिए टू एंगल्स इक्वल होंगे, ये चीज कोई बताएगा नहीं, ये अपनी कॉमन सेंस लगानी है। अब आप 7th में हो, ठीक है, अपनी नॉलेज अप्लाई करके अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। These two are equal. Then you wrote here x in triangle, ये लेट था आपके पास, in triangle PQR x plus 30 degree is equal to 180 degree. इसके बाद आपको निकालना आता है, एवरीबडी नोज एक्स कैसे निकालना है। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है आपको सोचने में कि हम शुरू कैसे करें, ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता चल गया देन क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। जल्दी से निकाल के मेरे को एक्स बताओ कितना आ रहा है। 75 75
एंगल क्यूब हमने निकालना था 75। किस किस का आ रहा है, हाथ खड़ी करो जल्दी से। वेरी75 डिग्री। गुड वेरी गुड, निकाला तो बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने निकाला हुआ है आंसर। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यस वी नो, जल्दी से उठ के आगे आ जाए करो। ओके वेरी गुड, हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन। एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो इसका मतलब उन्होंने क्यों पूछा था, तो क्यों हम बता सकते हैं 75 डिग्री। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों पूछ रहे क्यू एंड आर, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एक पूछा गया है, तो जो पूछा गया उसके बारे में बता दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो आपको सोचना है कि हर किस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट डाउन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पूरा क्वेश्चन लिखना है आपने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर पाओ। डायग्राम्स आर गिवन टू यू, टू डायग्राम्स आर गिवन टू यू, ठीक है। तो मैं दोनों यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, आपको भी दोनों ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, दिस इज एक्स, दिस इज 90, दिस इज 20 एंड दिस इज 15। दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। ओके ये फर्स्ट पार्ट था आपका। एक और फिगर है आपके सेकंड पार्ट, ये भी आपको दिया हुआ है ट्रायंगल, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पहले कंप्लीटली लिख लो फिर सॉल्व करना, ओके क्योंकि मैं नेम में बुलाऊंगी और फिर आप बताओगे मेरे को हाउ टू सॉल्व, जल्दी में नहीं करना। 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। अब आप 7th में हो तो थोड़े डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, जो ऑलरेडी आपने 6th में सीखी हुई है। ओके दिस इज एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन बोथ। वेरी गुड, अपने आप सोचो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है और अपना अपना करो। बिलीव इन योर सेल्फ, एक दूसरे को मत देखा करो कि उसने कैसे किया या उसकी आवाज क्या आ रही है या उसने क्या आंसर बताया, और बैठ के कोई भी आंसर नहीं बताएगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज कैलकुलेट। इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू सी द की पॉइंट्स, अपने की पॉइंट्स देख सकते हो। कुछ फॉर्मूला देखना है आपने, पिछले क्वेश्चंस में से कुछ देखना है आपने, देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल कैलकुलेशन 2 टाइम्स, रफ में आप ऐड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लीज उसको 2 बार चेक करोगे फिर मेरे को आंसर बताओगे। इसमें 2 पार्ट्स हैं तो ये 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 2 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, दोनों पार्ट। पीछे देख सकते हो आप नोटबुक अपने, पीछे आपका फॉर्मूला देखना है, कोई क्वेश्चन देखना है कि हाँ मॉड्यूल में हमने कैसे किया था, यू कैन सी इट इफ यू वॉन्ट। 25 डिग्री स्क्वायर। आई एम नॉट आस्किंग आंसर, प्लीज वेट प्लीज वेट, सबको करने दो। अगर आपने फर्स्ट खत्म कर लिया तो सेकंड कर सकते हो, लेट एवरीबडी डू। सेवन बी सेक्शन, निहारिका हैव यू फाउंड फर्स्ट पार्ट बेटा? यस यस, हाँ बेटा बताओ बेटा क्या किया आपने। एच पावर इज इक्वल्स टू पी पावर प्लस बी पावर। वेट 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 वेट, पावर वॉट, कितनी पावर, एक्स पावर 2 एच पावर टू इज इक्वल टू, यस यस बोलो, पी पी स्केयर टू
क्या किया आपने, इसका नाम लिखा है पी क्यू आर, नाम लिखा है ट्रायंगल का। ओके यस किसका नाम, इसका नाम लिखा है पी क्यू आर। शी इज सेइंग एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. शी इज टेलिंग द फॉर्मूला। ऑल राइट, शी इज टेलिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शी इज टेलिंग द फॉर्मूला। वेरी गुड वेरी गुड। अभी जल्दी से मेरे को वैल्यूज बता दो। यस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 स्क्वायर, 20 ट्वेंटी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. स्क्वायर। वेरी गुड, आंसर निकाल लिया आपने। यस बता दो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली बता दो कौन सा नंबर आ रहा 25 है। एक्स स्क्वायर इज 625 आ रहा होगा आपका, है ना। फिर यस आपने इसको किया 25 का स्क्वायर ऐसे किया। वेरी यस गुड, निश्चित, वेरी गुड। एक पार्ट आपका 2 मार्क्स का है, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। जो बच्चे अपने आप कर रहे हैं, यू कैन गिव 2 मार्क्स टू योर सेल्फ, यू आर द विनर्स। ओके, ये चैप्टर से हमारा दूसरा कंसेप्ट यूज हो रहा था। एंड एनी चाइल्ड हु डजंट नो 25 से हमने 25 कैसे लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पे थोड़ी बहुत गलती होती है स्टूडेंट्स की और उनको सोचने में टाइम लगता है कि 625 से हमने 25 स्क्वायर कैसे लिखा। किसी को प्रॉब्लम आती है इसमें, यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी। इसका मतलब सबको आता है ये, है ना। मैंने आपको इजी मेथड बताया 625 का, आप रफ में अपनी वो करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और उसमें आप देखोगे कि पांच 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 के पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, 625 के आप देखोगे कि पेयर्स को हमने बना के बताना है कि किसका वो स्क्वायर, दैट यू नो। ओके, सेकेंड पार्ट, डोंट टेल मी आंसर बाय सिटिंग, आई विल आस्क यू, आई विल कॉल द नेम, क्योंकि ये डेसिमल वाली कैलकुलेशन है, ध्यान से करना बेटा, मल्टीप्लीकेशन भी एडिशन भी। मैंने देखा 9th क्लास में भी बच्चों को अगर बोला ना कि 6 ऐड करो, 6 + 3.6, उनको नहीं पता होता 6 कहाँ पे लिखना है। डू इट केयरफुली, दे डोंट नो हाउ टू एड 6 + 3.6। 9th क्लास के बच्चे भी गलती करते हैं बहुत बड़े, सो डू इट केयरफुली, आई एम गिविंग यू टाइम टू डू इट। फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगना है जो अभी भी उसने बताया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोकस ऑन योर कैलकुलेशन। ई सेक्शन, जब जीत, जब जीत इज प्रेजेंट। सेकंड क्वेश्चन में कहां तक किया आपने बेटा, जितने भी स्टेप्स किए आप बताओ मेरे को। मैम नेम द ट्रायंगल पी क्यू आर ओके, ऑल राइट, एंगल पी क्यू पी एंगल क्यू नहीं है वो, पी दिस क्यू इज नॉट स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, यस इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू पी पी आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्यू यहाँ पे लिखा है क्या, आपने क्यू इधर लिखा होगा, है ना। यस मैं भी इधर ट्रांसफर कर लेती हूँ, जैसे आपने मेरे को बताया उससे मेरे को गेस हो रहा है कि आपने क्यू यहाँ पे लिखा है और आर यहाँ पे लिखा है, दिस इज फाइन। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू रोट पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, दैट इज फाइन। आगे निकाला है आपने, करो हम कर रहे हैं सॉल्व। करो। ओके गुड, डी सेक्शन फर्स्ट बेंच पे जो चाइल्ड बैठा है उसके माइक उनके पास ही है, आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब आपने कर लिया क्वेश्चन ये। आई एम डूइंग मैम यस, प्लीज टेल मी कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से बता दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। 4.5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, आपने इसको एक्सपोज कर लिया। इज इक्वल टू हाँ सेवन जी पॉइंट फाइव स्क्वायर वेरी गुड। हाँ जी आगे, 20 20.25 स्क्वायर
20.25 स्क्वायर नहीं आएगा, आप स्क्वायर तो खत्म हो गया यस है ना, स्क्वायर ही तो एफ आप निकाले। हाँ जी आगे बोलो। 56.25 वेरी नाइस, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की है इसने, वेरी गुड। एक्स एंड एक्स बाकी बच्चे स्क्वायर बोलते वेट वेट वेट, मेरे को दिख रहा है सारे बच्चे, काफी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं सिर्फ बोर्ड से, दैट इज रॉन्ग। आई कैन सी यू आर मूविंग देयर पेन्स फास्ट नाउ, डू योर कैलकुलेशन योर सेल्फ। उसने मेहनत करके बताया अपना आंसर, जो जल्दी से कॉपी डाउन कर रहे हैं बोर्ड से, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, लेट मी आस्क द फाइनल आंसर टू अदर चिल्ड्रन। उसने 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, नंबर्स चेक किया है और बिल्कुल ठीक आंसर उसने बताया है। थोड़ी सी मेहनत बाकी बच्चे भी करो, एक स्टेप और रह गया है। हरी आप एक्स की वैल्यू मेरे को बताओ क्या आ रही है, आई विल कॉल अदर नेम्स। 6 एक्स इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आया था 36। ओके एक्स इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज फाइन, बिल्कुल ठीक आंसर है। दिस इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स, जिन बच्चों ने किया है खुद अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। और जिनको जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया खुद, दे शुड बी डूइंग एट होम, घर पे रफ कॉपी में प्लीज अपने आप करके देखना इसको, ठीक है। दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट। आज अगर क्लास में आप मेहनत से आज कैलकुलेशन कर रहे हो तो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू ओनली, एग्जाम में आपका पेन ऐसे फटाफट चलेगा। मेक अ हैबिट कि एक बार कैलकुलेशन की है अपने हाथ से रफ में, प्लीज उसको एक बार दोबारा चेक कर लो कि ताकि पॉइंट आपने ठीक लगाया है, मल्टीप्लीकेशन में कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि आप तो फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, राइट डाउन। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 100 डिग्री इज 100 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन टू यू, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो थ्री रेशियो वन। बेटा फाइंड दीज टू एंगल्स, दीज टू एंगल्स कौन से हैं जिनके बारे में रेशियो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। स्टार्ट डूइंग, जिनको आता है करना शुरू करो। इसमें रेशियो दी हुई है 2 साइड्स की आपको, 2 एंगल्स की है ना, तो आपको डायग्राम तो बनाना ही है टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 100 डिग्री, और यहाँ पे आपका ट्राइंगल का नाम लिख लिया आपने ABCD, ओके। एंड इसको जब आपने एक्सटेंड किया, दिस इज डी पॉइंट, एंड एक्सटीरियर एंगल इज गिवन अंदर वाली इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 3:1। सेवन डी जी सेक्शन सतपाल, जी सेक्शन सतपाल आप आगे बैठे हो बेटा। ओके डू यू नो ये जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये 3:1, हम किन 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं, कौन से 2 एंगल्स की हमें रेशियो दी हुई है। पहले तो आपको ये ट्रायंगल में से ये पता होना चाहिए कौन से 2 एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो 2 एंगल्स लिखा है यहाँ पे, कौन से 2 एंगल हैं,
हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। बी एंड थोड़ा लाउडली बोलो प्लीज। ए एंड बी, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलो स्टार्ट करो। हमें दिया हुआ है ए एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 3:1। जो चीज आपको पता चल चुकी है उसको लिख लो जल्दी से। जब हमें रेशियो दी होती है दो चीजों की तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमें एंगल तो पता नहीं है ए कितना है बी कितना है, एक्स और वाई की फॉर्म में या फिर किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में, हमें सिर्फ उनकी रेशियो पता है। रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं? सी सेक्शन, सी सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड या फर्स्ट मिडिल रो में दैट गर्ल, यस आ जाओ बेटा, यस टेक द माइक, माइक के पास आओ आप। लेट द एंगल ए इक्वल्स टू 3x। वेट, उसको बताने दो बेटा, शी इज होल्डिंग द माइक। हाँ जी बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं, यू कैन सिट देयर एंड स्पीक। हाँ जी आवाज नहीं आ रही आपके बेटा। एफ सेक्शन से आपने बताया था आंसर, शुड नॉट एंगल एक्स लेट द एंगल, पूरा कंप्लीटली बताओ मेरे को। लेट एंगल ए इज इक्वल टू, वेरी 3x। गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट डूइंग नाउ, अब तो आपको पेंस शुरू हो जाना चाहिए, चलना पता है आपको, बहुत मेजर चीज आपको पता चल गई है। स्टार्ट डूइंग। रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं कि हमें जब उनकी रेशियो पता होती है इसका मतलब है कि जो एंगल ए होगा वो 3 का मल्टीपल है और जो एंगल बी है वो 1 का मल्टीपल है। ठीक है तो 1x लिखो या अकेला x लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ओके लेट एवरीबॉडी डू, जल्दी से स्टेप्स कर लो, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। आप फटाफट यहाँ पर लिखो पहले जो प्रॉपर्टी लगा रहे हो, लिखने का मेथड आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपने मार्क्स लेने हैं, स्टेप्स सारे लिखने पड़ेंगे आपको, राइट? 3x प्लस एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है, सी यू हैव टू फाइंड आउट अभी। कैन यू फाइंड सी? अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो चीजें अननोन हो गई हमारे पास, एक्स बी और सी बी, तो कैन यू फाइंड सी फ्रॉम हेयर? बट आपने नहीं बताना, चिल्ड्रन हु आर टेलिंग मी सो प्रॉम्प्टली, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं कि बच्चे वेट करो, आई वॉन्ट टू नो कि एंगल सी कैसे निकलेगा। बी सेक्शन लास्ट बॉय कॉर्नर में जो विंडो के नीचे बैठा है, यस वी सिटिंग अलोन। बी सेक्शन गर्ल्स के पीछे जो बैठे हुए, एक्सटीरियर एंगल से भी हो सकता है प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल से भी हो सकता है, यस यस आई एम कॉलिंग द 7th बी लास्ट बॉय अलमीरा के साथ जो बैठे हुए बच्चे, यस आ गया बेटा फास्ट। गुड, व्हाट वुड यू डू हियर? कहाँ घूम रहे हो आप, वहां क्यों चले गए आप नोटबुक लेने के लिए? यस। जल्दी से बता दो क्या करना है इसको। नहीं पता बेटा, नो ओके इधर ही रुको अभी, वेट हियर ओनली। सी सेक्शन, सी सेक्शन मैम, अर्श बी, अर्श बी आज बॉयज को बहुत रेस्ट मिल गया है ना,
अभी बॉयज की बारी आई है आगे आने की। अर्शवीर प्लीज कम फॉरवर्ड। जल्दी से बताओ बेटा, अगर आपने किसी और मेथड से निकाले तो वो भी बता सकते हो कि कैसे निकलेगा ये ए और बी। यू डोंट नो? लीनियर पेयर कितना हाँ लीनियर पेयर, वेरी गुड। जल्दी से बता दो एंगल सी कितना होगा लीनियर पेयर से। वेरी गुड, 180। 180 सम होता है ना दोनों का सम होता है। यू नो एंगल सी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, ओरल कैलकुलेशन है, एंगल सी बता दो। चलो जाओ, यू कैन गो बैक नाउ। दिस क्वेश्चन इज हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कई बच्चों ने इसको डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लगाया है कि 100 डिग्री इज इक्वल टू, इन्होंने किया है कि 3x+1x ने किया है इज इक्वल टू 4x, वहां से भी आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा आपके पास। ओके तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? आपने एंगल निकालने थे, ए और बी निकालना था, है ना? कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आपके पास? एंगल ए कितना आ रहा है? 75 डिग्री, एंड बी आपके पास आ रहा है 25 डिग्री। इट इज फाइन, ऑल राइट। चलो वन मोर क्वेश्चन, दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4। 4 मार्क्स का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू टच ऑल द क्वेश्चन आज। दिस क्वेश्चन डायग्राम इज गिवन टू यू एंड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से नोट डाउन करना बेटा। दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड एंड देर इज अ लाइन ओवर हियर, दिस इज सी ए। ओके यहाँ पे एच पॉइंट है, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस फिगर इज गिवन टू यू, ध्यान से नोट डाउन करना। दिस इज ई एंड दिस इज एफ, राइट? दिस एंगल इज गिवन टू यू 150 डिग्री, दिस इज एफ। ओके दिस इज 50 डिग्री। फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कुछ भी नया वो नहीं है इसमें डिफिकल्ट। आपकी कोई प्रॉपर्टीज लगनी है, किसी में एक्सटीरियर, किसी में एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है? ध्यान से फिगर को देखो बस। दिस इज 70 डिग्री, बाहर वाला आपका है एंगल एक्स, ए और एच के इधर, यहाँ पे एक्स डिग्री एंगल है जो आपको फाइंड आउट करना है। ओके क्वेश्चन है फाइंड एक्स, छोटी सी चीज आपसे पूछी हुई है लेकिन क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, क्योंकि फिगर को आपने ध्यान से देखना है और अपना कंसेप्ट लगाने हैं। वेरी गुड, सोचना शुरू कर दो अपनी नोटबुक में। दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, वही वही लगनी है दोबारा दोबारा, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है कि नया हो। वेरी गुड, सी इट वेरी वेरी केयरफुली। अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए लिख रही हूँ दोबारा से। डी बी सी आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है? एंगल एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम मिडल में, जी पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एंगल डी जी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपके थोड़ा सा क्लू फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन टू यू, इसका नेम है ए सॉरी डी ई एफ, ठीक है? आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है इससे, एंगल डी ई एफ एक्सटीरियर एंगल है जो कि है 150 डिग्री, ठीक है? आपको यहाँ नाउ यू कैन अप्लाई।
टी सेक्शन से आई वुड लाइक टू कॉल दी सेकंड बॉय सेकंड बेंच पे, आपको आपको बोलूंगी हूँ यस। मैं आपको बुलाऊंगी अभी एक सेकंड में, आप कर लो अगर कर रहे हो तो, वेरी गुड डू इट, थिंक ऑफ इट, मैं अभी आपको बुलाऊंगी एंड डू इट ऑन योर ओन, अपनी नॉलेज अप्लाई करो एंड द सम भी लग सकता है, जो 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 आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कोई भी लगाओ। हाँ जी बेटे आ जाओ आप सेकंड बेंच, फिर बॉय कैन कम। आपने शुरू किया क्वेश्चन ये ए सेक्शन, यस माइक के पास आओ, मेरे को बताओ शुरुआत कैसे की, अभी तक क्या सोचा आपने इसके बारे में, पहली वन स्टेप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बताओगे आप, शुरुआत बताओ क्या सोचा, हाउ आर यू स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ओके अगर आप अभी सोच रहे हो माइंड में नहीं आया तो बैठ के करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सिट डाउन। बी सेक्शन फर्स्ट बेंच, चिल्ड्रन इन द मिडिल रो बॉयज, बी सेक्शन, बी सेक्शन फर्स्ट बेंच मिडिल रो, दिस बॉयज आर टॉकिंग, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, आई एम कॉलिंग यू, बी सेक्शन फर्स्ट बेंच में चिल्ड्रन जो बैठे हैं दो बॉयज, यस आ जाओ बेटा, हाउ टू स्टार्ट, मैम समझ नहीं आया क्वेश्चन। कोशिश करो ना थोड़ी सी, आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो, पेन को रख के आप इधर उधर देख रही हो, ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा क्योंकि वो नया है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ऐसे देखते सारे समझ कैसे आ सकता है। ओके बैठो आप, इट्स वेरी समझ नहीं आया, मैं तो करवाई दूंगी आपको, सिट डाउन, लुक एट द फिगर, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, अप्लाई करो, किसका एक्सटीरियर एंगल है उसको यूज करो, कोशिश तो करो थोड़ी सी, एक्स इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री, क्या वो एक्सटीरियर वो है ऑब्ट्यूज एंगल है, सी यस यस Yes, मैम तो 125 डिग्री। हाँ आपने फिर बताओ ए सेक्शन से भी आंसर बताया किसी ने, यस व्हाट इज दैट, मैम वन 125 डिग्री। नो, शुरू कैसे किया, चलो आप बताओ ए सेक्शन से, हाउ डिड यू स्टार्ट, जल्दी से मेरे को स्टेप्स बता दो, ए सेक्शन से आपने आंसर बताया ना मेरे को फर्स्ट बेंच, नहीं नहीं बेटा उसको बताने दो ना जिसने आंसर बताया, फर्स्ट बेंच में जो बच्चा बैठा उसने मेरे को आंसर बताया, अभी उसको बताने दो स्टेप्स क्या है, I was telling. Why were you telling them? That is wrong. इससे पूछो, इसने ट्राई नहीं किया, अभी शुरू नहीं किया, इसने सोचना है कि कैसे करना है, इसको माइक देना जरा, हैव यू ट्राइड इट वंस, जिन बच्चों ने कर लिया है उन्होंने तो बेटा बता ही देना है, बाकी बच्चे मैम हैव वो टू खुद ही प्ले, आंसर बता रहा था अपना। इट्स ओके, आपने थोड़ा सा सोचा बेटा हाउ टू स्टार्ट, ओके जो बच्चा खड़ा हुआ है ए सेक्शन, टेल मी द बिगनिंग, क्या क्या किया आपने, 70 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा 2x, 2x कहां से आया बेटा, एंगल GDA है उसमें से जो x 2 बार एंगल x ले, टू बार क्यों लिया आपने, आपका मतलब कि आपने ये एक्सटीरियर एंगल लगा दिया कि एक्स डिग्री इज इक्वल टू 70 और ये एक्सटीरियर एंगल लगाया, 2x कहाँ से आया, ओके बैठो बेटा सिट डाउन, एफ सेक्शन से मेरे को आवाज आई थी, या डी सेक्शन प्लीज वेट बेटा मैं अभी पूछती हूँ आपसे, एफ सेक्शन से भी आपने आंसर बताया था बेटा 150 है ना, यस
यस बताओ कैसे किया आपने। फर्स्ट आई फाउंड एंगल BED बाय लीनियर BED बाय लीनियर पेयर, ओके यस। फिर आपने कौन सा निकाला? बेयर, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आई फाउंड एंगल BDE, एक्सेलेंट। देन देन आई फाउंड एंगल EDA बाय लीनियर वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके देन फाइन, आई हैव अंडरस्टूड, प्लीज सिट डाउन, योर आंसर इज करेक्ट। डी सेक्शन से भी दैट बॉय वाज रेजिंग हिज हैंड। बता दो बेटा, आपने इसी मेथड से किया है या किसी और से? मेसी से किया है एसपी इसी किया, ओके, एनीबॉडी जिसने कुछ और किया हो, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, बताओ। लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से किया है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी कर सकते हो। ओके आई एम ऑल्सो डूइंग हियर बेटा, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। फाइन, दिस एक्सटीरियर एंगल इज गिवन टू यू, तो आपको पता है कि 150 डिग्री, आई एम मार्किंग इट एज वन, दिस एज वन एंड दिस एज टू, इसको मैं टू लिख रही हूँ क्योंकि इनके एंगल्स के बारे में हमने बताना है। तो आप ए बी सी डी या डी ई एफ नहीं भी लिखते तो चलेगा, वन टू उसको मेंशन कर दो। तो यू कैन से इन ट्राइंगल डी बी ई 150 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल वन, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये निकाल लिया, एंगल वन आपके पास आ गया। ठीक है, तो एंगल वन के बाद बहुत सिंपल है, 70 उसके साथ वाला दिया हुआ है, एंगल वन आपके पास आ गया 100 डिग्री। ठीक है, 150 माइनस 50 किया आपने, 150 डिग्री माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल वन, तो एंगल वन आपके पास आ गया 100 डिग्री। एक एक चीज हमारे पास आ चुकी है, एंड फ्रॉम फिगर यू नो एंगल वन प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। जो बच्चे अभी कॉपी डाउन कर रहे हैं घर जाके इसको रिवाइज करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एंगल वन आपने निकाल लिया, वन आपको पता है यहाँ पे, सॉरी 1 प्लस 70 तो ठीक है, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, ये आपको पता है एंगल एक्स इज इक्वल टू 70 प्लस ये वाला एंगल वन आपके पास आ गया, तो उसके बाद आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो उसके साथ वाला एंगल टू। वेट, राइट डाउन, इसको चेक करो, दिस इज एंगल वन हमारे पास आया है अभी, एंगल वन हमारे पास ये वाला एंगल आया। ठीक है, तो कैन यू फाइंड एंगल टू? 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यू कैन फाइंड एंगल टू इज इक्वल टू 70 डिग्री, टू जो ऊपर वाला हमने सपोज किया था, तो वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि अभी जो छोटा वाला ट्रायंगल आपके पास ये वाला था, वहां से आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू एंगल निकाल टू सकते। 80 डिग्री आना है। एंगल टू इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल वन इज 100, देन इट इज 80, यस दिस इज 80, राइट, एंगल टू इज 80, देन इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल का नेम लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल डी जी ए, डी जी ए ऊपर वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला, उसमें हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई आपने, एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस 70 डिग्री, ओके 2 प्लस 70 अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसको कंप्लीट कर लेना सेंटेंस को, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ सकती है 150 डिग्री। ओके, अगर आपने उस मेथड से किया दैट इज आल्सो फाइन, अगर आपने इस मेथड से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करते हो दोनों ट्रायंगल्स में, देन आल्सो इट इज फाइन, योर आंसर विल बी दिस। ओके बेटा, चलो योर टाइम इज अप, प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन, स्क्रीन इज स्टिल ऑन, जो बच्चे लिख रहे हैं कीप राइटिंग। ओके बाय मैम, बाय मैम।
है।